हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड राज के अपने इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ इन्फिनिक्स हॉट एट डिवाइस का रिव्यू। तो इस डिवाइस को यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 14 डेज हो चुके हैं, तो भाई मैं इसका रिव्यू दे सकता हूँ अब और मुझे सब कुछ पता चल चुका है इस डिवाइस के बारे में कि क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, तो सब कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। वैसे तो 7,000 रुपये के हिसाब से ये बेस्ट डिवाइस होगा इस बजट में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई मुझे कम पसंद आए इस डिवाइस में। तो अगर आप इस डिवाइस को लेने के बारे में सोच रहे थे, मन बना रहे थे कि भाई इस डिवाइस को परचेज करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि भैया 7,000 रुपये इस डिवाइस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, लगाना सही रहेगा, या फिर आप कोई और डिवाइस परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, 14 डेज हो चुके हैं इस डिवाइस को यूज करते हुए और सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वैसे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स ने काफी कमाल का काम किया है कि भैया 7,000 रुपये के बजट में हमें इतनी कमाल की ऑफरिंग दे रहा है। यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का वेरिएंट मिल जाता है 7,000 रुपये में, और साथ में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाते हैं और 5000mAh की बैटरी मिलती है और काफी कमाल की डिस्प्ले मिल जाती है इस डिवाइस में। तो ओवरऑल 7,000 रुपये के बजट में इस टाइम पे ऐसी कोई कंपनी, कोई ब्रांड नहीं है जो कि इस टाइप की ऑफरिंग दे रही है, इस टाइप के फीचर्स दे रही है। तो इस लिहाज से इस डिवाइस में कई सारी USPs हैं जो कि भैया इसे एक यूनिक डिवाइस बनाती हैं इस कैटेगरी में, लेकिन फिर भी हम सब कुछ यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई इन्फिनिक्स ने सिर्फ इसी डिवीजन में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग मिल जाता है, ग्रेडियंट फिनिश दिया गया है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे प्लास्टिक बैग मिलता है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेटल मिले या फिर ग्लास मिले 7,000 के बजट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज करी गई है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा वो। लेकिन 7,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस है तो भाई बहुत ज्यादा कंप्लेन तो कर ही नहीं सकता मैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाते हैं, क्वाड LED फ्लैश आपको दिया गया है पीछे की तरफ, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आपको LED लाइट मिल जाती है। तो भाई आप लो लाइटिंग कंडीशन में इसे भी यूज कर सकते हैं और कमाल की सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि कैमरा के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। और साथ ही इस डिवाइस में आपको जो स्पीकर मिलता है बॉटम फायरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है, तो अगर आप कभी बिना ईयरफोन लगाए गेम प्ले करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे ये ढक जाता है, या फिर कुछ वीडियो देखते हैं ऐसे पकड़ के फोन को तो ये ढक जाता है। इसका स्पीकर अगर राइट साइड में बॉटम की तरफ दिया जाता तो कोई इशू नहीं होता, काफी कमाल का एक्सपीरियंस मिल जाता। हालांकि साउंड आउटपुट मेरे को काफी सही लगा, उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम गेम्स प्ले करते हैं अगर ईयरफोन नहीं लगाते हैं तो उस टाइम पे ये ढक जाता है, तो ये इशू समझ में आया। तो अगर इन्फिनिक्स इस वीडियो को देख रही है तो भाई आप थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, काफी कमाल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा यूजर्स को। तो यहाँ पे ये दो इश्यूज लगे मुझे। साथ में यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाई इस डिवाइस में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, डुअल सिम और माइक्रोएसडी कार्ड आप इस डिवाइस में यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं स्क्रीन क्वालिटी की, तो यहाँ पे इस डिवाइस में आपको 6.52 इंचेस की HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है जो कि एक IPS LCD पैनल है। यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 का। तो ये डिवाइस काफी लंबा है, देखने में काफी लंबा लगेगा, आपको थोड़ी नॉच भी देखने को मिल जाएगी टॉप साइड में जहाँ पे कैमरा फिट है, लेकिन नॉच का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर बात करते हैं स्क्रीन क्वालिटी की तो भाई उससे मुझे एक पैसे की शिकायत नहीं है। स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही लाजवाब लगी मुझे, IPS LCD है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, आपको बहुत ही बढ़िया कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आउटडोर्स में भी काफी कमाल का कलर रिफ्लेक्शन है, एकदम आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो भाई स्क्रीन के मामले में कोई शिकायत नहीं है इस डिवाइस से मुझे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो भैया 7,000 का डिवाइस है लेकिन ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस एकदम खराब मिलेगी आपको इस डिवाइस में। यहाँ पे इस डिवाइस में यूज किया गया है MediaTek का हेलियो P22 चिपसेट जो कि एक ऑक्टोकोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और यहाँ पे ये काफी मतलब डिसेंट चिपसेट है, डिसेंट चिपसेट कह सकते हैं इस कैटेगरी का। यहाँ पे आप पबजी जैसे गेम्स को भी इजीली खेल सकते हैं इसमें, हालांकि HD ग्राफिक्स पे आप नहीं खेल पाएंगे लेकिन बैलेंस सेटिंग्स पे आप इसे खेल सकते हैं, और मैंने खेला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज थे, बहुत ही माइनर हीटिंग इश्यूज थे, हीटिंग इश्यूज नहीं कह सकते उसे, हीट हो रहा था थोड़ा बहुत डिवाइस, लेकिन ओवरऑल पबजी आप इसमें खेल सकते हैं। ग्राफिक्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, फ्रेम रेट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस सेटिंग पे आप इसमें पबजी खेल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भैया खेल ही नहीं पाएंगे, इसमें खेल सकते हैं। अब क्योंकि इसमें 4GB रैम भी मिल जाती है आपको, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली गेम प्ले के दौरान। और साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो मिलता है वो काफी लाजवाब तरीके से काम करता है, एकदम एक्यूरेट और काफी ज्यादा फास्ट भी लगा, और साथ में फेस अनलॉक भी काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो इन दोनों से ही मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, दोनों काफी कमाल तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात कर लेते हैं स्पीकर आउटपुट की, तो यहाँ पे स्पीकर आउटपुट भी मुझे काफी डिसेंट लगा, काफी बढ़िया लगा, चाहे हेडफोन की बात कर लें, चाहे नॉर्मल जो स्पीकर दिया गया है उससे जो साउंड आता है वो भी काफी
कमाल का आता है। और साथ में जब हम बात करते हैं फ़ोन पे किसी से तो उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि जो ईयर पीस दिया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है, तो उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। साथ में अगर बात करते हैं कि भाई इसकी नेटवर्क रिसेप्शन कैसी है, तो भाई वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई नेटवर्क रिसेप्शन में। हालांकि मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर नेटवर्क मतलब ठीक ठाक रहता है, बट इस डिवाइस में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी नेटवर्क से रिलेटेड। और ये डिवाइस सपोर्ट करता है डुअल बैंड वाईफाई को, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड्स को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और एक लो लाइट सेंसर दिया गया है जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है मेरे हिसाब से, और क्वाड LED लाइट आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा। कैमरा काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करता है डे लाइटिंग कंडीशन में, चाहे फ्रंट कैमरा की बात करूं चाहे रेयर कैमरा की। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है इस डिवाइस में, तो डे लाइटिंग कंडीशंस में अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में कैमरा काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करता है। हालांकि डायनेमिक रेंज का इशू थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल आपको काफ़ी डिसेंट शॉट्स मिल जाएंगे। अब 7000 का डिवाइस है इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। कैमरा मुझे 7000 के हिसाब से बहुत ही कमाल का लगा इस डिवाइस को, मैं इतना कह सकता हूँ। और एक बात और कमाल की लगी कि भाई इस डिवाइस में आपको कैमरा 2 API का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि MediaTek का चिपसेट पड़ा हुआ है तो अभी तक कोई चलता हुआ गूगल कैमरा पोर्ट मिला नहीं। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेवलपर्स से कि भाई MediaTek डिवाइसेस के लिए भी कुछ कैमरा पोर्ट्स डेवलप करें, और अगर इसमें गूगल कैमरा कभी चलता है तो भाई काफी लाजवाब इमेज कैप्चर कर पाएंगे इस डिवाइस में, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डे लाइटिंग कंडीशन में इमेजेस काफी बढ़िया कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन लो लाइटिंग कंडीशन में कैमरा स्ट्रगल करता है। लो लाइटिंग कंडीशन में आप बहुत कमाल की इमेज नहीं कैप्चर कर पाएंगे, एवरेज शॉट्स ही कैप्चर कर पाएंगे। अब ये फीचर मुझे अच्छा लगा कि भाई इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों में ही LED मिल जाती है, तो आप उसे यूज करके थोड़ा बहुत अच्छी इमेज कैप्चर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैमरा के अंदर बहुत सारे लाजवाब फीचर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बोके मोड भी मिल जाता है, यानी ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली इमेज कैप्चर कर सकते हैं। आपको AR शॉट वाला फीचर मिल जाता है, तो ये काफ़ी कमाल तरीके से काम करता है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है। और यहाँ पे इस डिवाइस से रिलेटेड कैमरा के फीचर्स का एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, तो अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई इसके कैमरा में कितने लाजवाब फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर चेक करिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक इशू मुझे लगा इसके कैमरा में, फ्रंट कैमरा में बेसिकली, जब हम इमेजेस कैप्चर करते हैं कई बार डे लाइटिंग कंडीशन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टिंट आता है इमेजेस में, तो ये सॉफ्टवेयर बग हो सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि भाई इन्फिनिक्स अपने अपडेट्स में इसे फिक्स कर दे। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं कैमरा वर्डिक्ट की, तो भाई 7000 के बजट में मुझे काफी कमाल का कैमरा लगा, काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आप इसमें फुल HD तक में वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे EIS का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो वीडियो थोड़ा शेकी होंगी। लेकिन अगर आप स्टेबल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ट्राईपॉड यूज कर सकते हैं, या फिर अपने हाथों को थोड़ा सा स्टेबल रखेंगे तो आप वीडियोस भी काफी सही शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की, तो इस डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफी बड़ी है। हालांकि डिवाइस बहुत ज्यादा भारी नहीं फील होगा आपको, लेकिन 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। और अगर बात करते हैं इसके यूसेज की, तो भाई इसमें आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। मैं एक मॉडरेट यूजर हूँ और मुझे इसमें तकरीबन 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता था। जैसे कि मैंने पबजी गेम प्ले कर लिया थोड़ा बहुत, और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन कर लिया, नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो इस तरह से यूज करने में तकरीबन 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि मुझे काफी डिसेंट लगा, काफी बढ़िया लगा। लेकिन अगर बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो इस डिवाइस में आपको 10 वॉट का चार्जर दिया गया है। 0 से 100% होने में 3 घंटे का टाइम लग जाएगा इसे चार्ज करने में। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट एड डिवाइस में आपको मिल जाता है XOS 5। तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यूजर इंटरफेस और बेटर हो सकता है। साथ में ये रन करता है Android 9 Pie के ऊपर, तो भाई Android 9 Pie वाले फीचर्स भी आपको इस डिवाइस में मिल जाते हैं। अब यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं, लेकिन इसके अंदर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब अगर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो भैया ये 7000 रुपए के बजट में सबसे बेस्ट डिवाइस है इस टाइम पे। मतलब इसकी टक्कर का कोई भी डिवाइस इस टाइम पे नहीं है जो कि इस तरह के फीचर्स ऑफर कर रहा है आपको। 7000 रुपए में आपको जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलता है इसमें, वो है कि भैया इसमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिल जाती है, और साथ में ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन ओवरऑल मेरे को डिवाइस काफ़ी कमाल का लगा। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे फीचर्स लेके आता है 7000 रुपए के बजट में। पहले हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि भाई 4GB रैम वाला कोई डिवाइस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका बजट है भाई 7000 रुपए, तो आप इस डिवाइस को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अलग अलग कलर वेरिएंट में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे इसकी एक फ्लैश सेल हो चुकी है और उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो गया था बहुत ही जल्दी, तो मैं इन्फिनिक्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर वो यूनिट्स इकट्ठे कर सकते हैं तो यूनिट्स इकट्ठे करके रख लें, क्योंकि ये डिवाइस
बहुत ज्यादा बिकने वाला है, क्योंकि ओवरऑल ये 7000 रुपए के बजट में बेस्ट डिवाइस है इस टाइम का। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है इस डिवाइस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।